हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटेंट एग्जामिनर का जो एग्जाम होने वाला है, बेसिकली मेंस की स्ट्रेटेजी, ठीक है। और ये वीडियो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी और ब्रांच से हो तो देख लो, अगर आपको कुछ हेल्प मिले, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों को तो पता चल जाएगा थोड़ा बहुत, बाकी ब्रांचेस का थोड़ा मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले शेड्यूल इसका फिक्स है पहले से, ठीक है। अब मेंस का एग्जाम 1 अक्टूबर को है, प्रीलिम 3 सितंबर को है। अगर सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, कोई बिल्कुल ही फ्री होकर तैयारी कर रहा है, कोई जॉब के साथ कर रहा है, ठीक है। अब किसी को प्रीलिम के लिए, कोई प्रीलिम के लिए ही तैयारी कर रहा है अच्छे से, किसी का ऑलरेडी जो प्रीलिम में चीजें हैं पहले से पड़ी हुई हैं, तो इतना सिर्फ टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, मेन से फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है। प्रीलिम के बाद तो जस्ट करना शुरू करना ही है, ठीक है। रिजल्ट का वेट नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद वैसे कम टाइम नहीं है। अभी अगर करना चाहो तो अच्छी बात है, अगर कर लोगे तो ठीक है, बेनिफिट ही करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक और सजेशन है कि जब भी अगर आप कॉम्प्रिहेंस मतलब सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो टेक्निकल, तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छी तैयारी हो अपनी गेट ईएससी की पहले से, क्योंकि एग्जाम आते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम आते रहेंगे, जब एग्जाम आएगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट करोगे फिर थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। और जैसे बीच में किसी भी एग्जाम में मत फंसो, जैसे कि अगर सपोज करो कोई गेट 2024 की तैयारी कर रहा है, अगर गेट का ही सिलेबस 50% कंप्लीट नहीं है तो बीच वाले एग्जामों में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। एक स्टेप वाइज चलना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म तैयारी करनी है तो, मतलब सारे एग्जाम को तैयारी करना है ना, तैयारी तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म ही रहे, ठीक है। और सिलेबस देख लेते हैं पहले, ठीक है। सिलेबस क्या है, गेट प्लस ईएससी के कुछ सब्जेक्ट, सारा ईएससी का नहीं है, जैसे मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, ये ईएससी में मटेरियल साइंस सिलेबस में ला लेना। और नोट्स देख सकते हो मेरे यहाँ से, लिंक ट्री इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक tr.ee/rajatgate, ठीक है। यहाँ से कुछ सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे नोट्स आपको। ये फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ईडीसी है बेसिकली, ठीक है। इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी, जैसे मुझे लगता है बेसिक ऑफ आईसीज एंड एससीआर, जी हम गेट में नहीं पढ़ते हैं, सिग्नल एंड सिस्टम्स गेट का हो गया, नेटवर्क थ्योरी, ईएमएफटी, मेजरमेंट ईएससी, ठीक है। तो इसके भी नोट्स लिंक ट्री पे मिल जाएंगे आपको। और थोड़ा टॉपिक वाइज देख लेना ईएससी में, कोई जो नोट्स ऐसा नहीं कि सारे पढ़ लेने हैं, थोड़ा टॉपिक वाइज ही पढ़ना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स गेट का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट का, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग ईएससी में आता है, देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये भी ईएससी एडवांस कम्युनिकेशन में है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखो अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। अभी जो देखो सी लैंग्वेज भी पूछी हुई है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं बट चल जाता है, नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि किस लेवल पे, हम ऑलरेडी सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ो, पहले हम बेसिक सब्जेक्ट ही अगर हमारे वीक है पहले उस पर ध्यान दिया जाए जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सवाल बनने की, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, पूरा सिलेबस है। तो यार कोशिश ये होना चाहिए कि एटलीस्ट गेट का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो, तभी हम आगे बढ़े, हमारे चांसेस उतने रहे, अच्छे रहे, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक तो इसी का प्रीवियस ईयर हमारे पास है, डीआरडीओ भी रिटर्न एग्जाम लेता था, लेता है, इस साल नहीं ले रहा बट पिछले साल लिया है, ईएससी, ठीक है, गेट। अब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे नहीं करने, मतलब वो क्वेश्चन कर सकते हो जैसे कि जिसमें लग रहा हो कि हाँ ये सॉल्व करने वाले हैं, जो डायरेक्ट 2 स्टेप में गेट का सवाल सॉल्व हो रहा है, तो वो नहीं, तो एटलीस्ट ये मान लो 2 मार्क्स का जो आता है, ठीक है। क्योंकि सवाल तो वही है, अगर गेट में नोडल एनालिसिस सवाल आ रहा है, बस वो हमें सिर्फ आंसर टिक करना है, बाकियों में इसमें हमें पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इसका पेपर मैंने डाल रखा है, इसका भी डाल रखा है मैंने, लिंक ट्री पे चेक कर लो, 2015 का है ना, 2018 का पेपर इसका अवेलेबल नहीं है कहीं पे, और इसके मुझे लगता है 2 पेपर मैंने डाले, 2018 पता नहीं 17 है, एक 2022, ठीक है, या फिर 2019, ठीक है, ये चेक कर लेना। ये मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व भी करवा रखे हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ करवा रखे हैं, अभी भी चेक कर लेना, ये भी सॉल्व करवाया हुआ है। ईएससी पीवाईक्यूज के लिए अगर बुक लेना चाहो, ठीक है, बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये मेड इजी या फिर एस,
किसी को लो जिसको लगे लग रहा है कि हाँ ये सस्ती है ले लो, ठीक है। ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आ जाएगा कि नहीं इसी की लेनी है इसकी नहीं लेनी है, ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ये सोर्स हो गए। गेट प्रीवियस क्वेश्चन आई होप सबके पास होंगे है ना कि गेट की तरह तो सब करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सोर्स। और अगर हम पैटर्न की बात करें, जो 2015 वाला एग्जाम है इन्हीं का, तो उसमें क्या था, सेक्शन ए था, उसमें 3 क्वेश्चन थे 12 12 नंबर के, ठीक है। दो 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 पार्ट थे हर क्वेश्चन में, 6 6 नंबर का, तो 12 36 ऐसा था। फिर बी बी में क्या था, सेक्शन बी था, 3 क्वेश्चन थे 20 20 मार्क्स के, ठीक है। दो दो पार्ट थे सब में ऐसा लिखा हुआ है। और सेक्शन सी था, उसमें 3 × 28, ठीक है 84। सेक्शन डी में 3 × 40, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि 40 नंबर वाला बहुत बड़ा होगा। क्वेश्चन पेपर देखोगे कोई ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा मार्क्स का, तो बहुत ही बड़ा सवाल है हर कोई, ठीक है। कोई नॉर्मल सवाल भी है और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, ठीक है। तो ये पैटर्न 2015 में था, 2018 का है नहीं, ठीक है। तो एक्सपेक्ट तो यही करेंगे कि यार जो लास्ट ईयर का है वैसा पैटर्न है, बट हमें फिर भी पैटर्न बाकियों का भी डिस्कस कर लेते हैं। जो नॉर्मल ईएससी और डीआरडीओ का पहले तक होता था, उसका पैटर्न बेसिकली क्या होता है, 8 क्वेश्चंस आते हैं ईएससी में, उसमें से हमें 5 करने होते हैं। कैसे, पार्ट ए पार्ट बी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सब पार्ट होंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक ही सवाल आ रहा है, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये 60 60 का होगा, और 5 × 60 300। तो पहला और पांचवा कंपलसरी होगा, मतलब दोनों पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, टोटल 5 क्वेश्चन कैसे करने हैं, 3 + 2, मतलब एक पार्ट से 3 करने हैं, एक पार्ट से 2 करने हैं। ऐसा नहीं कि हम ये 1 2 3 4 कर दें, 4 ये होगी 5 ये होगी, ये नहीं करना, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं कि दूसरा कर दिया यहाँ पे, चौथा कर दिया यहाँ पे, सातवां, इस तरीके से, ठीक है। 3 A पार्ट्स हो गए, 2 B पार्ट्स हो गए। हम 2 + 3 भी कर सकते हैं कि 2 A पार्ट से करें 3 B पार्ट से, ऐसा ESC और DRDO में होता था। और DRDO जो 2022 में एग्जाम हुआ, दिसंबर 2022 में, उसमें इन्होंने क्या किया, सीधा ही 40 क्वेश्चन 5 मार्क्स के 200, ठीक है। ESC में देखा जाए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो 300 300 मार्क्स के 60 600। DRDO में भी 200 200 400 के, बट मुझे लगता है जितना इसमें सिलेबस है कि इसमें 2 पेपर होंगे। अच्छा सॉरी, इसमें तो पहले से प्री डिफाइंड है ना, 300 मार्क्स का एक ही पेपर है, ठीक है। तो इसमें एक ही पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये पैटर्न है, एक्सपेक्ट हम ये करेंगे कि यही आएगा, बट ये भी ध्यान में रखो, ठीक है, कि कल को उनका मन किया कि नहीं हम तो नया पैटर्न से डालेंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं डिफाइन नहीं किया पैटर्न अभी तक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। तो ये चीज होगी। फिर अगर हम प्रेपरेशन का देखें, मेंस प्रेपरेशन, चाहे वो ESC के लिए हो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, तो मेंस में सबसे क्या है, हमें जो भी सवाल है वो लिखना है प्रॉपर, है ना। अगर बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ सवाल ही अलग आते हैं, वैसे ही सवाल आते हैं। नोडल का सवाल गेट में भी आता है, ESC के मेंस में भी आता है, इसमें भी हो सकता है। तो बस गेट में है कि हम ऐसा रफ में किंग करेंगे, ये 2 क्वेश्चन आंसर निकालेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, मैच करेंगे, काम खत्म। बट यहाँ हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपने उसको नहीं लिख के देखो ना, फिर तो उसको लिख के देखो। मैं वही एक बहुत सिंपल नोडल का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई भी ESC का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, उसमें KCL नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है। अब लिखने से क्या फायदा होता है, अगर मैं अभी बोलूँ, अभी किसी को भी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है मुझे, ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क है, मान लो यहाँ पे नोड ए है। अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार अच्छा मैं क्या लिखूंगा, अप्लाइंग नोडल एट नोड ए, फिर मैं इक्वेशंस बना दूंगा, फिर मैं लिखूंगा कुछ, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, फिर लिखूंगा अप्लाइंग नोडल एट नोड बी, फिर मैं इक्वेशंस बनाऊंगा, फिर मैं इसको 1 लिखा होगा, मैं इसको 2 लिखा होगा, फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, जो भी है सोल्व करके मुझे दिखाना, फिर आंसर निकलेगा, ठीक है। जब मुझे पहली बार बोला जाएगा कि अच्छा इसको इस तरीके से लिखो, तब मैं ज्यादा टाइम लूंगा, ठीक है।
पर अगर मैं पहले से ही 4-5 बार इसको लिख के देख चुका हूँ, मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक फ्लो बना होगा कि हाँ इसी फ्लो में लिखना है। मिनिमम टाइम लूंगा मैं कुछ भी लिखने से, सोचने से पहले, ठीक है, जो चीजें फिक्स है कि लिखने के लिए, जो चलो टेक्निकल है सोचना है, जिसमें उसमें तो टाइम लगेगा लगेगा, तो वहां पे अपना फायदा हो जाता है कि अगर जब हम पूरा पेपर आता है तो ऐसा ना हो कि आती हुई चीज हमारे पास टाइम कम पड़ जाए, ठीक है। और फिर हमें जब हम ऐसा लिखेंगे और कुछ गलती होगी, गेट में तो चलो हमें गलती पता चल जाती है कि 4 ऑप्शन मोस्टली दिए होते हैं जो ऑप्शनल एग्जाम में, तो आंसर मैच ही नहीं करेगा, कहीं ना कहीं गलती करें हम, काफी चांसेस रहेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे, फिर हम देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा देख नहीं सकते क्योंकि आंसर तो हमें निकालना है, आंसर हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हेल्प करती है इसलिए, ठीक है। तो यही करना है, तो सबसे पहले जो बिल्कुल ही कि आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है, एटलीस्ट जो हमारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं हम वहां से स्टार्ट करें लिखना, कि जैसे नेटवर्क स्टार्ट किया, एक दो तीन क्वेश्चन नोडल एनालिसिस कर लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम कम है कि ईएससी के सारे ही प्रीवियस ईयर करने हैं, नहीं, एक अलग अलग टाइप के हम कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लें ताकि हमारी हर तरह की टाइप कवर हो जाए, नोडल एनालिसिस कर लिए, फिर केवीएल कर लिए, और फिर अगर थ्योरम से जाएंगे थेविन कर लिए, दो तीन क्वेश्चन नोटिंग कर लिए, फिर सुपरपोजिशन कर लिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिखे वो लिखते रहो, ठीक है। और कोशिश यही करनी है कि हम मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम टॉपिक कवर करें, ऐसा ना हो कि हम नेटवर्क के पीछे लग जाए कि हम नेटवर्क में एक्सपर्ट बन जाए, हर तरह के क्वेश्चन कर लें, नहीं, हम कोशिश करें कि पहले एक लेवल तक के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लें, ठीक है, ये थोड़ी एक स्ट्रेटेजी रखना। और इसके अलावा अब चेक कैसे करना, ना कुछ लोगों के लिए बहुत पहली बार होगा, क्योंकि जिन्होंने ईएससी मेंस दिया है उसकी तैयारी की, उसको तो उनको तो वो आई थिंक आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है, टेस्ट वेस्ट भी दिए होंगे। अब जो पहली बार देंगे उनके लिए क्या होता है, टेस्ट क्या हो गया ये, ठीक है। अब देखो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है कि हमें चेक करने को मिल जाएगा, एक तो स्पीड वगैरह का पता चल जाएगा, एक्यूरेसी। अब टेस्ट सीरीज मुझे लगता नहीं अभी तक कुछ आया है, ठीक है, अगर कुछ कोई टेस्ट सीरीज आएगा मैं ग्रुप में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो टेस्ट सीरीज ले लोगे, फायदा ये हो जाता है कि ऑनलाइन होगी मोस्टली, ठीक है, तो ऑफलाइन तो मुझे लगता नहीं होगी, ऑनलाइन ही होगी शायद, अगर हुई वो अलग बात है मेंस की। तो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, A4 शीट पे लिख के उसको फोटो खींच के भेजोगे तो वो आपको चेक वगैरह करके दे देंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक तो टाइम पता चल जाएगा आराम से बैठ के कि 3 घंटे में मैं इतना लिख सकता हूँ, अगर आता भी है, इतना नहीं लिख सकता, जो भी है इस स्पीड से मुझे लिखना है, और फिर गलतियां पता चल जाएंगी, ठीक है। अगर कोई आई तो, टेस्ट सीरीज अगर नहीं आई तो क्या करना है, चुपचाप अपनी स्पीड तो चेक करनी है, जैसा ये पैटर्न है ना इस हिसाब से खुद ही क्वेश्चन उठा लो, हर सब्जेक्ट से दो तीन क्वेश्चन उठा लो, एक वही 12 सवाल है, 4 12 दो दो पार्ट है, 24 क्वेश्चन, 20 25 क्वेश्चन, 24 25 जितने भी उठाने उठा लो, अपना टाइम लगा के ना 3 आवर्स का उसको लिखो, अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि चलो आपने खुद क्वेश्चन उठाए हैं आपको आते हैं, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि यार जब हमें आता है हमें सब लिखना है तो हम 3 घंटे में लिख पाएंगे, ठीक है, ये अपना टेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज लिखना इस तरीके से है कि जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही डिटेल में लिखना है कि हम पता चले दो एक सवाल में हम बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, और इतना भी लिखना कि ये सोचें कि सामने वाले को सिर्फ हिंट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें बीच का करना है, ठीक है, जितना अच्छा लिख पाए टाइम के अकॉर्डिंग उतना अच्छा लिखना है, ठीक है, और बिल्कुल ही वो नहीं जाना कि बस 5 सवाल हैं, 3 घंटे 5 सवाल हैं और हम 2 ही सवाल कर पाए, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, और ये चीज हमें टेस्ट से थोड़ा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप इससे आपको काफी कुछ क्लैरिटी आई होगी, और इसके अलावा भी कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है ही उसमें पूछ लेना, और वीडियोस कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।